के ये कर रहा था, फिर नोच के खा गए थे। हमने देखा कि उनके दोनों हाथ का मांस पूरा खा चुके हैं और यहाँ बीच में से हड्डी तक के नहीं है, पंजे भी नहीं मिले और एक पैर के हड्डी पूरी है, उसमें मांस ही नहीं है। तो इस प्रकार उसकी स्थिति, और उससे वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर से ये सिद्ध होता है कि उसके पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई, उसके सिर पर पत्थर मारा गया। ये कोई रंजिश का कारण तो नहीं था जिसकी हत्या, किस कारण हत्या हुई? ये कोई रंजिश के कारण भी हो सकता है, क्योंकि वह बालिका जो थी, वह लड़की जो नवविवाहिता थी, उसके गांव में जो स्वभाव और जो उसका अच्छा व्यवहार था, उस व्यवहार से हम उसको गांव में उसके जो बोलचाल की भाषा थी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी रंजिश के कारण ही उसको उठा के उतने दूर ले गया और उसकी हत्या की गई। मीडिया को इसकी सूचना इस प्रकार से मिली थी कि जो मृतिका है उसकी विवाह भी कुछ समय पूर्व होना था। हाँ, 24 अप्रैल को उसका विवाह हो चुका था और वो अपने मायका में गई थी अपने पिताजी के पास, और वहाँ पर संडे के दिन आने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनको रोक लिया गया और रोकने को उसी रात से वो फिर लापता थी। अच्छा इरपाची जी, यह सब पूरी घटना के बीच में आप किसको जिम्मेदार ठहरा होंगे, स्वास्थ्य विभाग को या पुलिस प्रशासन? इसमें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो पुलिस प्रशासन भी इसमें यानी इसकी भागीदारी वो पुलिस की भी है, और स्वास्थ्य विभाग की तो वह लापरवाही तो है, वो सामने सिद्ध हो रहा है कि जिससे लोग इतना परेशान हो रहा है। चलो जिंदे आदमी को कहीं वो परेशानी वो हो वो डॉक्टर के पास में जा रहा है, लेकिन आज मुर्दे को भी ले लेकर घूमना पड़ रहा है। मीडिया के सूत्रों को पता लगा था कि इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस कम से कम 3 से 4 घंटे लेट पहुँची, ये बात सही है? ये 3 से 4 घंटे लगभग 3 से 4 घंटे लेट पहुँची। चलिए ठीक है पाजी।